नमस्कार दोस्तों, आपका मैं फिर से स्वागत है मेरे किचन में। दोस्तों आज हम एक सब्जी की रेसिपी बनाएंगे जिसे मलाई वाले प्याज कहते हैं। और इसमें लास्ट में जो मैंने इसमें दो मसालों का इस्तेमाल किया है, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो इस सब्जी का जो स्वाद है वो दोगुना तिगुना हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को लास्ट जरूर देखिएगा, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते बनाना। दोस्तों मलाई वाले प्याज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर घी में बनाते हैं तो इसका स्वाद एकदम अलग ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है और घी गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम जीरा, 2 छोटे चम्मच हम जीरा डालेंगे और इसे थोड़ा सा लाल होने देते हैं। जीरा थोड़ा सा लाल हो चुका है और इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही हम डालेंगे अदरक। यहाँ अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च है जो वो भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज का प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, क्योंकि हम प्याज की सब्जी बना रहे हैं तो हमें प्याज ज्यादा लेना है। और अब हम इसे प्याज को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो हम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने प्याज को 2 मिनट अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि प्याज जो हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे यहाँ पे दिख रहा है गोल्डन ब्राउन वैसे ही करना है। और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। यहाँ पे मैंने एक टमाटर को बड़े साइज के टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, ये वो हम डालेंगे। और अब हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच के लगभग काली मिर्च का पाउडर। इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को थोड़ा हम नरम होने तक पकाएंगे। दोस्तों इस सब्जी को हम चावल के संग भी खा सकते हैं, पूड़ी पराठे के संग भी खा सकते हैं। बहुत इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये बहुत ही अलग तरह की सब्जी है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। तो मसाले को हम थोड़ा सा भून लेते हैं टमाटर और प्याज के साथ। दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे हम 5 मिनट हम कवर कर देते हैं, क्योंकि जो अगर कवर कर देंगे तो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल जाएंगे। तो इसे कवर करके हम थोड़ा सा पकने देते हैं। दोस्तों हम इसे चेक कर लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं कि टमाटर जो है पूरी तरह से गल चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मलाई। तो यहाँ पर मैंने घर वाली मलाई का इस्तेमाल किया जो हम घर में निकालते हैं। आप इसकी जगह, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह अमूल फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम इसे अच्छे से डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मलाई का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसमें दोस्तों 2 मसाले और डालेंगे, हम लास्ट में डालेंगे इसमें 2 मसाले, उनसे इसका जो सब्जी का स्वाद है वो बहुत ही दुगना हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे कवर करके मलाई को हम थोड़ा सा पका लेते हैं। इसे कवर कर देते हैं और मलाई को हम थोड़ा सा पका लेते हैं। इसे चेक कर लेते हैं हम। मलाई जो है वो लगभग पक चुकी है, पर इसे अब हम
बिना कवर किए हुए दो मिनट और पका लेते हैं और इसे लगातार चलाते रहेंगे दोस्तों हम, क्योंकि मलाई है ये तली में लग भी सकती है, तो इसे हम और थोड़ा दो मिनट चलाते हुए पका लेते हैं। दोस्तों इस सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और अभी हम जो दो मसाले ऐड करने वाले हैं उसके बाद तो इस सब्जी की जो खुशबू है वो उसकी खुशबू से ही भूख लगने वाली है। ये सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों, अगर आपके पास आपके घर में मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो आप ये सब्जी बना के उन्हें खिला सकते हैं और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाली सब्जी है। और इसमें ऐसे कुछ ज्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, न बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीजों का इस्तेमाल किया गया जो हमारे घर में अवेलेबल ना हो। अगर आपके पास बस मलाई है तो आप इसका ये सब्जी बना के अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। देखिए दोस्तों ये जो मलाई है वो अच्छे से पक चुकी है, इसे मैंने लगातार दो मिनट तक चलाया है और आप जैसा आप देख सकते हैं मलाई अच्छे से पक चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने सीक्रेट मसाले जिनका मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, तो अब हम इसमें डालेंगे आधे छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी जो है मैंने घर में बनाया था, वो कसूरी मेथी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप बाजार वाली कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ी जो है ना वो ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम कवर कर देंगे। और जो ये गरम मसाले और कसूरी मेथी है इसका स्वाद जब हमारे जो ये सब्जी में अच्छे से आ जाए तो दो मिनट तक हम इसे अच्छे से कवर करके रख देते हैं, फिर हम इसे सर्व करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे कवर कर देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इस सब्जी को 5 मिनट कवर करके रखा था, फिर मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि सब्जी देखने में कितनी ही टेस्टी कितनी लाजवाब लग रही है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि अगर आपने सब्जी बनाई है तो आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही,